दरअसल मैं पायल सिंघल से जुड़ी हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं इस कॉज से भी जुड़ जाती हूँ। देसाई फाउंडेशन और पायल सिंघल, इन दोनों ने एक बहुत ही आई थिंक एक बहुत अच्छा पहल किया है और एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश जारी है उनकी। देसाई फाउंडेशन बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड को हेल्प करती है और ये एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा कॉज है जहाँ पर इट्स एन एनजीओ, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं, तो वो खुद कर रहे हैं और इतने लोगों को, बच्चों को, औरतों को एंड अंडर प्रिविलेज लोगों को ये दरअसल वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूल्स हैं इनके जहाँ पे वो फ्री एजुकेशन हो रहा है, तो एक आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी किया जाए तो कम ही है, तो जितना लोग आगे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं इन ऐसे इस टाइप के कॉजेज के लिए, तो मुझे लगता है बहुत ही अहम बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और आना चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर एक चीज़ में आगे आता है, चाहे वो फ्लड रिलेटेड हो या चाहे वो कोई भी हो। ओके, जैसे कि कलेक्शन के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि कलेक्शन में क्या-क्या है। कलेक्शन तो अभी पायल की जो अभी खासियत है वो प्रिंट्स हैं और प्रिंट्स को और भी उभार रही है अपने एम्ब्रॉयडरी से, स्टाइल से, कट से, तो शी इज़ मतलब पायल के बारे में मतलब जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उसकी 100% 100 भी नहीं, मैं कहूँगी 200% इन्वॉल्वमेंट होती है। ये देखा जाए तो उसके पास ऑब्वियसली स्टॉक है, चीज़ें हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर है और बहुत से फैशन शोज़ करती हैं, बहुत से एग्जिबिशंस करती है, खुद का अपना स्टोर है, लेकिन ये देखने के लिए अगर देखा जाए तो लगता है अरे यू नो इतना कोई बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी उसकी जो 200% इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मैं उसकी माँ रेखा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो वो कह रही पागल हो रही थी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, तो आई थिंक दिस इज रियली किडोस टू पायल। आपके अटायर में भी कुछ प्रिंट है जो बहुत ही जी, ये मैंने पायल सिंगल ही पहना है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे प्रिंट्स हैं, तो मैंने कहा कहीं मैं भी एक मैनिकन ना दिख जाऊं इनके बीच, बट हाँ बहुत देखिए पायल के कपड़े मुझे खास करके बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट आउटफिट्स में लगता है कि अगर कोई भी चीज़ आप पहनो तो उसमें एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, आपको अच्छे से मतलब बैठना भी पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तो हर एक चीज़ में कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है, तो पायल के कपड़े बहुत कंफर्टेबल है एंड वेयरेबल हैं। ओके, जिस तरीके से अभी आपने बारिश का भी एग्जांपल दिया, बारिश के बारे में क्या राय देना चाहेंगी आप, जैसे कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या टिप्स? मुंबई में तो हमेशा बारिश होती आ रही है, हाँ, बट द थिंग इज़ ऑब्वियसली पॉपुलेशन और भी बढ़ता जा रहा है एंड सड़कें कम होने लगी हैं, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को और भी इन पर जोर देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क बट आई थिंक करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में जो पिछला फ्लड हुआ उससे अभी तो मतलब मैं नहीं कहूँगी कि बेटर था, अभी भी वर्स ही था, बट फिर भी मेरे हिसाब से बेटर ही था पिछले फ्लड से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।